नमस्कार समस्तंकु, चलंतु आज भर्मिकम्पोस्ट रो आउ गोटे भिडियो देखिबा बा ऑर्गेनिक जिया खत आमे जहाँ को कहिबा। सो आमे जिया खत विषय अनेक किछि जानिबा, ता पूर्वरु आपण माने जदि मो चैनल ले नुआ अछंती चैनल टिको सब्सक्राइब कर नियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन टिको प्रेस करंतु, सो दैट मोर समस्त नोटिफिकेशन से आपण मानको पळै आसिबो। तो वर्तमान पूरा सबुआड़े गोटे चर्चा चली जे आमे सॉइल बचाओ अभियान। सॉइल बचाओ अभियान कौन एक्चुअली सेटा जानिया को हेले आमको एक्चुअली सॉइल रो प्रॉपर्टीज विषय जानिया को पड़िबो। कौन कौन केमिकल्स आम यूज करुचु, कौन फर्टिलाइजर आम यूज करुचु, सॉइल केमती टाइप रे खराब होउची, और आम कहीं ऑर्गेनिक कंपोस्ट आड़ को जीवा बा एनी केमिकल को फर्टिलाइजर को आम डाटा बाय बाय करना, आम केमी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बा भर्मी देकना आम गोटे माटी रो क्वालिटी को मान सॉइल रो हेल्थ को एनहांस कर पारिबा। सो यही जो मुँह भी से पथरे आगे जेहेतु मुझे नेचर को बहुत भल पाए, आउ माटी जेहेतु आम को आज जाके आम जहाँ चाहू धान ठू आरंभ कर पनीपरिया ठू आरंभ कर आम जहाँ चाहूँ आमको मटीर मिले, मैंने आम गच लगेलु गच आम प्रडक्शन सीधे आम खाइलु। आगरु लोक मैंने बहुत दिन पर्यंत बचुले बिकज से माने पूरा विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर वाला खाया खाऊ से माने बहुत ही भलि बचुले। आपण मैंने शुणिके आश्चर्य हे ए भी बढ़ियापाई मछक भी दिया हूँ सेमती किसी फिड्स जोटा कि बहुत सारा जिनस रोच जोटा देहपाई खराब होती। भेजिटेबल्स देखिए आपड़ जब धान देखिए सबूत कौटी ना कौटी केमिकाल द्वारा प्रस्तुत खाद्य सामने को दिजाव जो माटी खराब होची, ता सहित सहित आमर हेल्थ मध्य खराब होची। जोटा कि जदि आम एबू सतर्क न होबा ताले आगामी 30 इयर्स बेलू आम जितकी दिन बचुचु ताठ बहुत कम दिन आमर लंगजीविटा कमिजी। कहीं आम आप देखुवे आगर लोक 100 105 एम बचुले, एवं लोक 50 60 है बेलू क्या हार्ट आटाक् क्या लिभर प्रोब्लेम बहुत सारा प्रोब्लेम देकना आम फेस करुचु। केवल यही आम मैने जो खाद्य खाऊ से खाद्य कौन सी ऑर्गेनिक न हो कि पूरा केमिकल भर्ती अच्छे से आमको ये सब प्रॉब्लम्स गुड़ा हो। तेणु आम जब समस्ते चेष्टा करवा आम माटी को आम बचे पारे। जमी फॉर एग्जांपल मु गोटे देवी आम बहुत टाइम धान यूरिया को ऐड कर, यूरिया गोटे केमिकल फर्टिलाइजर आम टाइम टू टाइम टाइम आम यूरिया दूचु पटास दौचु तो कौटी ना कौटे से गुड़ा अन्न्य बहुत सारा फर्टिलाइजर भी अच्छी मुझे लिस्ट आउट करें जाके बट से गुड़ा दबा जो माटी जो गोटे हार्ड हो जाटर जो क्वालिटी मैं जो खराब हो जाए इवेन जो ऑर्गेनिज्म अच्छा जो मैंने आम आखिरे देखा जाती माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैंने कि बहुत ही अधिक आमको सबुत्र हेल्प करमती आप जानते साइकिल गुड़ाक कार्बन साइकिल हो नाइट्रोजन साइकिल हो कौन थे आम ऑर्गेनिज्म ही आमको हेल्प एवं आम केमिकल फर्टिलाइजर जबा दबा जो मैंने अप्लाई करवा जो आमको बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आम ठो दूरे दूरे की जाऊँगी। गोटे सॉइल जिते बड़े लाइफ कहवा हेल्दी कहवा जदि प्रचुर परिमाण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेंट से बट एबे देखा कौन जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर एड होती धीरे धीरे तो माइक्रोबायोटार मैंने क्वांटिटी धीरे धीरे कमी कमी जाऊँ। अब तो यही रेट रे जदि आम दबा आफ्टर 30 इयर्स पर सॉइल रे कौन सी गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रही ना, तो आप भावतु जदि आम ऑर्गेनिक दबा माने ऑर्गेनिक दे आसु थांते ताले आम माटीटा आहुरी अधिका डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गुड़ाक से आसु थांते जोटा कि आम बहुत सारा रिसर्च भी चलुच्छे जे आम जदि माटी को सॉइल हेल्थ करिया को माने जमी हेल्थ कार्ड आपन सुनुथिबे टेस्टिंग चारिआड़े खोल सॉइल टेस्टिंग ये माटी धीरे धीरे खराब होमें ताको केमिति बचे पारा। तो माटी बचाओ अभियान माने सॉइल बचाओ अभियान जो एवं कर सद्गुरु भी करुँचंती बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर भी करुँचंती, तो एथरे आम कौटी ना कौटी जब टिके टिके जब भागीदारी हवा ताल आम भावु मु मो पेरीफेरी कथा कह मु आम एरिया को जदि सेमती किसी कंपोस्ट देकना जब लोक को अवेयर करई पाले तो बहुत लोग एमती धीरे 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 जानजे। एबे जो ऑर्गेनिक ईटा मुझे देखा मुझे भर्मी कंपोस्ट करुच्ची ओनली लिफ मटेरियल मुझे डिकम्पोज करुच्ची आफ्टर डिकम्पोजिशन अलरेडी जो भिडटे मुझे
ସେଥିରେ ବି ମୋର ନହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେତେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଜିଆ ଖତ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର, ଆମେ ସେଇ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, କିଛି କିଛି ମୁଁ ନର୍ସରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆୱାର୍ କରୁଛି ଆମ ପାଖାପାଖି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇ ଗଲେ ଆମର ମାଟି ଆହୁରି ମେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ବହୁତ କୁଇକ୍ରେ ଯେମିତି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମକୁ କାମ ଦିଏ, ହୁଏତ କରିନପାରେ, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର 1-3 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆପଣ ସିଓର ଜାଣିବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଏଲରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ସଏଲର କ୍ୱାଲିଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏନହାନ୍ସ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ମି କରିକିନା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗଛରେ ବି ଦେବି। ଇଭେନ୍ ମୋ ଟେରାସ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେବଳ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇକିନା ମୁଁ ଆଜି ଯାକେ ମୋର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛି ବା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ବଟ୍ ସଏଲରେ ଯଦିଓ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଡେଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲ୍ଦି ସଏଲ୍ସ ପାଇପାରିବା। ସୋ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ, ଆମେ ତାକୁ ମାଟିରେ କାହିଁକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଖାଲି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଗାନିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେନୁଆର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ ଆରାମସେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ ମାନେ ବେଟର କରିପାରିବେ, ଇଭେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମକୁ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ସୋ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି ୟାର ପର୍ କେଜି 30-40 ରୁପିଜ୍ ଭିତରେ ମୋର ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଉଛି, ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ। ସେ ଯଦି କାହାକୁ ବି ଦରକାର ଫର୍ମି ତାହେଲେ ବି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଆୱାର କରାଇପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଫର୍ମି ହିଁ ଦେଉଛୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମ ସଏଲରେ, ତାହେଲେ ସଏଲର କ୍ୱାଲିଟି ଆହୁରି ଅଧିକା ଏନହାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଜେନେରେସନକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଏଲ ଡୋନେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ସେଇସବୁ ୱେରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଛି, ଏମିତି ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିପ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭର୍ମିର ଫିକାଲ ମେଟେରିଆଲ ସେଟା ଆମେ ବାହାରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିକ୍ରି ପର୍ପସ୍ କରିପାରୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।